हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। 2 दिन के इंतज़ार के बाद आप लोगों के मैं फिर से हाजिर हूँ तब्दीली स्टोरी लेके। तब्दीली जहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है मानवी और हारू की नई मोहब्बत का सफ़र। देखते हैं ये मोहब्बत जो हम लोगों ने ठानी है कि आरू को मिल जाए, ये उसे मिलेगी या नहीं, ये तो धीरे धीरे ही पता चलेगा स्टोरी के साथ साथ। लेट्स बिगिन स्टोरी। जैसा कि मैं आरू को समझाती हूँ और उसको बोलती हूँ जाओ फ्रेश होके आओ, कुछ खाओ, उसके बाद हम प्लान करते हैं कि तुम्हारे लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे मानवी को ये एहसास कराएंगे कि मानवी तुमसे ज़्यादा प्यार करती है अपनी इमेज से ज़्यादा। ये इमेज, ये सोशल लाइफ, ये सब कुछ एक टाइम के बाद साथ नहीं होती है, लेकिन एक हम सफ़र ज़िंदगी भर साथ होता है। बस इतनी सी बात हमें मानवी को समझानी थी, लेकिन यही इतनी बात मानवी को समझाने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने थे, इस बात से हम बिल्कुल अनजान थे, बिल्कुल अनजान। और पापड़ बेलना कितना मुश्किल काम है ये हमें अब पता चलने वाला था। खैर, आरू को एक नई उम्मीद नज़र आती है और वो फटाफट फ्रेश होती है और रेडी होने लगती है। जो इंसान इतने टाइम से एक रूम के अंदर बंद हो, जब वो रूम से निकलता है उसके लिए लिटरली मानो ऐसा ही लगता है जैसे अंधेरे के बाद उजाले का आना। कुछ ऐसा इस समय आरू फील कर रही होती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी निधि का फोन बजता है और फोन होता है उसके किसी फ्रेंड का, तो वो उसे एक पार्टी में इनवाइट करते हैं और वो पार्टी वही होती है जिसमें मानवी के फ्रेंड ने मानवी को इनवाइट किया होता है। तो मतलब जो 2 लड़कों का बर्थडे होता है उसमें से एक निधि का फ्रेंड होता है और एक मानवी के ग्रुप का। खुदा का खेल समझ लो या मोहब्बत का इशारा, जो भी था, उस समय मानवी ने मना कर दिया होता है, निधि ने मना कर दिया होता है जाने से कि मैं बाद में बताती हूँ, अभी मेरा कोई पक्का नहीं है क्योंकि देखते हैं। तो कहता है देख लो यार और अपने फ्रेंड्स को भी ले आना, तुम्हें पता है मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, बस मेरे गिने चुने दोस्त हैं, तो तुम अपने फ्रेंड्स को ले आना तो थोड़ा पार्टी इंजॉय करने में मज़ा आएगा। मानवी कहती है कि निधि कहती है कि लेट्स ही देखते हैं, और ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। हम लोग वहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, आरू के पापा आते हैं, उसको हक करते हैं, बहुत देर तक एक दूसरे से वो बातें करते रहते हैं और हम यहाँ सोचते रहते हैं कि क्या किया जाए जिससे मानवी को रियलाइज हो। तो सारा और निधि बोलते हैं कि हमें तो यही नहीं लगता वो प्यार करती भी है या नहीं। तो मैं अपना सर पकड़ के वहाँ बैठ जाती हूँ और धीरे से बोलती हूँ, इन लोगों के आगे ना बस वही हाल है कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस कड़ी पगुराए। इतना समझाने के बाद भी इन दोनों का यही हाल है, तो ये मुहावरा इन्हीं दोनों के लिए बनाया गया है। मैं धीरे से ऐसे बोलती हूँ तो निधि और ज़ारा ये बातें सुन लेते हैं मेरी और मेरी तरफ देखते और कहते क्या बोला तुमने। मैं कहती हूँ नहीं नहीं कुछ नहीं बोला मैंने। मैंने क्या बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। कहती है हाँ कुछ भी नहीं बोला, हाथ सुनाई देता है हमको, ठीक है, तो हमसे ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत है नहीं, हमें सब सुनाई देता है। क्या है भैंस के आगे बीन बजाना भाई, अगर इतना ही है तो पहले हमें यकीन तो दिलाओ कि हाँ वो इससे प्यार करती है, क्योंकि बिना हम ये जाने इस तरीके से तो आरू को अब उसके हवाले नहीं करेंगे। पहले हमें यकीन हो, हमें
चलो वो हमारे सामने एक्सेप्ट भी ना करे वो भी चलेगा, बट एटलीस्ट हमें इतना तो यकीन हो कि हाँ उसे फर्क पड़ता है आरो के उसकी लाइफ में होने ना होने से, हमें इतना तो यकीन दिलाओ। बिना इतना यकीन हुए तो हर किस नहीं, किसी भी हालत में नहीं, चाहे फिर किसी को अच्छा लगे और किसी को बुरा। निधि मेरी तरफ देख के ये बात बोलती है, मैं कहती हूँ हाँ सही बात है, सही जा रही हो तुम, गलती वैसे तुम्हारी भी नहीं है, पूरी देश दुनिया का यही हाल है, बिना सबूत के कोई नहीं मानता, मोहब्बत में भी सबको प्रूफ चाहिए होता है। सही जा रहा है भाई, दुनिया ही सही चल रही है तो तुम्हारी क्या गलती है इसमें, तुम्हें क्या ही कहेंगे हम। तो मैं ऐसे सोचने लगती हूँ कि क्या प्लानिंग करूँ जिससे इन लोगों को ये भी यकीन हो जाए कि मानवी के दिल में आरू के लिए जो फीलिंग्स थी वो वाकई जेन्युइन थी, वो बस डरी हुई है, सहमी हुई है। उसे बस एक पुश की ज़रूरत है, जब तक उसे वो पुश नहीं मिलेगा वो स्टैंड नहीं ले पाएगी। जब तक उसके दिल में ये डर नहीं पैदा होगा कि जिसे वो प्यार करती है वो किसी और का हो सकता है, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं। उसके दिल में ये डर बैठाना लाजमी है, अगर वाकई इन दोनों को करीब लाना है और इन्हें यकीन दिलाना है कि मानवी वाकई यारों को प्यार करती है। क्या प्लानिंग करूं, क्या करूं मैं ऐसा, हम मैं ऐसे सोचती रहती हूँ बैठ के, तभी आरो भी वहां आ जाती है, कहती है कुछ सोचा, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैंने क्या अकेले सोचने का ठेका ले रखा है, तुम लोग क्या यहाँ पे दावत में आए हो, हैं तेरी ब्रेकअप पार्टी में आए हैं ये लोग, तुम लोग भी सोचो। तो लोग कहते हैं कि हम क्या सोचें, हमें तो यकीन ही नहीं है, हम तो कह ही रहे हैं ब्रेकअप करो, छुट्टी करो। तो और उन लोगों की तरफ देखते और कहते हैं कि अगर मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो ये बकवास की बातें तो मत करो, और इनको छोड़ो ना आयु, तुम बताओ क्या करना है। कहते हो यार मेरा दिमाग खुद ही काम नहीं कर रहा, ये लड़कियों को समझना बहुत कठिन काम है। तो निधि मेरी तरफ देखती है और कहती हो हम लड़कियों को समझना कठिन काम है, और तुम कौन सी कैटेगरी में हो जी। तभी सारा कहती है इनकी कैटेगरी पूछी जा रही है, सीरियसली निधि तुम्हें नहीं पता ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो निधि स्माइल कर देती है, मैं कहती हूँ व्हाट डू यू मीन, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा, कौन सी कैटेगरी में आती हूँ मतलब क्या है। तो सारा कहती है, और आयु भी हंसने लगती है, आयु भी कहती है अरे भाई मुझे तो पहले पता नहीं था इसलिए मैंने प्रपोज कर दिया था, बाद में पता चला तुम तो मेरे और सारा की कैटेगरी में आती हो। हाँ तुम्हारा लुक फेमिनन है, हरकतें तुम कभी कभी वैसी कर देती हो, टेस्ट भी तुम अच्छे से करती हो, लेकिन बात जब तुम्हारे अपने पार्टनर की हो तब तुम पूरी तरह बदल जाती हो, उसके नाजो नखरे उठाना, उसको पलकों पे बिठा के रखना, उसकी हर ख्वाहिश को अंजाम देना, ये तुम अपनी ड्यूटी समझने लगती हो। तो ये मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप अंदर आ जाती है ना तुम्हारे। तो इन शॉर्ट हुआ तो वही ना, दैट हमारी कैटेगरी में ही आई हो तुम भी। कहते हैं जो शड़ा बुक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम फेमिनन। कहते हाँ यू आर फेमिनन, तुम्हारी हरकतें बस फेमिनन नहीं है, वो भी कब, हम ये नहीं कह रहे सबके साथ, ना 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 ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टनर के लिए, और किसी के लिए नहीं, और सबके लिए तो तुम बिल्कुल फेमिनन हो, कोई भी तुम्हें देखे तो धोखा खा जाए, लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आए तब पता चले
कि तुम एक्चुअल हो क्या। मैं कहती हूँ अच्छा बस बस, यहाँ मेरे बारे में बातें नहीं चल रही, यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं आयू की आरू की लाइफ को सही करने के लिए, है ना। तो मेरे बारे में बातें कट करके और आरू के बारे में बातें की जाएं तो ज़्यादा बेटर है ना। तो सब लोग मेरी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं तुम ही बताओ, अब तुमने इकट्ठा किया है तो तुम्हें ही कुछ आइडिया पता होगा, तुम ही बता सकते हो क्योंकि हमें तो कुछ नहीं पता है। हमारा हमें तो मन में फिर ट्रस्ट ही नहीं है जो लड़की सबके सामने इस तरह बेइज्जती कर सकती है। कहते हो कि फाइन देख लेंगे। तभी वहाँ अंकल टीवी देख रहे होते हैं और उस टीवी में कुछ चल रहा होता है, एक सीन चल रहा होता है, और वो सीन देखते ही मेरे दिमाग की बत्ती जल जाती है। मैं कहती हूँ मिल गया आइडिया। सब मेरी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि कैसा आइडिया बताओ क्या मिला। मैं कहती हूँ टेढ़ा है पर काम करेगा। तो सब मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं बताओगी। मैं कहती हूँ आरू के लिए एक पार्टनर चाहिए, और निधि तुम्हारे पास अभी कोई बर्थडे पार्टी के लिए कॉल आया था। तो निधि कहती है हाँ आया था। कहते हैं हम उस बर्थडे पार्टी में जाएंगे, ठीक है, और तुम एक काम करो कि उस बर्थडे पार्टी में मानवी से रिलेटेड कोई भी एक बंदा आ जाए, बस किसी भी तरीके से कोई भी बंदा कोई भी बंदी। मानवी अगर ना भी आ पाए तो उससे रिलेटेड कोई भी लड़का या लड़की आ जाए, वहाँ हम आयु आरू को उसके न्यू पार्टनर के साथ दिखाएंगे उसे, और ये बात जब मानवी तक पहुंचेगी तब रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो सब मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं आर यू क्रेजी और व्हाट। कहती हूँ क्या। तो कहते हैं कि ये क्या प्लानिंग है। कहती हूँ तुम ही लोग कहते हो ना, देखो मेरे हिसाब से अगर प्यार की थ्योरी लेके चलोगे तब तो पार्टनर मिलना तुम लोगों को मुश्किल ही हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो प्यार में जलन और प्यार में किसी के पीछे पड़ना चाहिए ही नहीं, ठीक है। मेरा तो मानना है जो अपना है वो आएगा ही आएगा हर हालत में लौट के, हमें बस पल के बिछा के इंतज़ार करना चाहिए, है ना। छोड़ दो, जिसे जाना है वो जाएगा और जिसे आना है वो लौट के आएगा, पीछे नहीं भागना चाहिए। लेकिन तुम लोगों के हिसाब से तो ऐसा नहीं है ना, और मानवी भी भाई इसी हिसाब से सोचती होगी। तो अब जो है मुझे उसे उसकी मेडिसिन का टेस्ट कराना है उसे, तभी तो उसे समझ में आएगा कि उसने जो किया है वो कितना गलत किया है तुम लोगों के हिसाब से। मेरे हिसाब से नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड, मेरे हिसाब से नहीं तुम लोगों के हिसाब से। अगर यहाँ मेरी राय चलेगी तो मैं तो ये कहूँगी, सॉरी मैं तो ये कहूँगी कि इस बात को ये रफा दफा करो, और मानवी अगर तुम्हारा प्यार है, तुम्हें वाकई प्यार करती है, तो ऑटोमेटिक किसी ना किसी राह पे तुम्हें मिल जाएगी, बस तुम्हें इंतज़ार करना है। लेकिन आजकल का तो पंगा ये है ना, कितना लंबा इंतज़ार करे कौन, इतना लंबा इंतज़ार तो होता ही नहीं है किसी से। तो बस वही सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। और तुम लोगों के हिसाब से प्यार में पजेसिवनेस, जलन, ये सारी चीज़ें तो होती होती हैं। तो अगर मानवी को इससे प्यार है तो उसे जलस भी होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। अगर वो जलेगी तो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन साफ नज़र आएंगे, चाहे उस समय वो रिएक्ट करे या ना करे। लेकिन जहाँ रोटी जलना स्टार्ट होती है तो अपना रंग तो बदलने लगती है ना, बस वही। तो उस तक ये न्यूज़ पहुँचनी चाहिए कि उसके छोड़ने से, उसके धिक्कार देने से आरू मर नहीं रही है, आरू अपनी लाइफ में किसी और को भी जगह दे सकती है, ठीक है। तो सब लोग काफ़ी सोचते हैं और कहते हैं ठीक है मान गए तेरी बात, लेकिन अब
ऐसी कोई लड़की भी तो होनी चाहिए ना जो आरू को इस काम में हेल्प कर सके। तो मैं कहती हूँ तो इसमें क्या है, निधि है ना, निधि देगी। तो तीनों के हाथ मेरे सर पे पड़ते हैं, पट पट पट। मैं कहती हूँ क्या है, तो कहते हैं कि निधि है ना, निधि देगी। मानवी को निधि का पता नहीं है, हमेशा और निधि का अफेयर चल रहा है। मैं कहती हूँ व्हाट, वो एक सेकेंड एक सेकेंड, माहेश और निधि का अफेयर चल रहा है कब से? तो मैं निधि की तरफ देखती हूँ और कहती हूँ कब से मैडम? तो निधि कुछ नहीं बोलती है, चुप हो जाती है। वो कहती है अफेयर नहीं चल रहा है, बस बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो आरू कहती है कि सीरियसली पूरी पूरी रात कॉल पे सी जाना, सिर्फ बातें चल रही हैं। मैं कहती हूँ चल लीव इट ना, उसकी पर्सनल लाइफ है यार, ठीक है जो भी है। तो निधि कहती है कि मैं तो किसी और के इंतजार में थी, मिला ही नहीं तो क्या करें। तो मैं अपनी निगाहें उसकी तरफ से हटा देती हूँ और कहती हूँ अच्छा चलो ठीक है, काम की बातें करते हैं। तो निधि कैंसिल? तो कहते हैं निधि कैंसिल क्या, निधि को हमने लिया कब था ऑप्शन में जो निधि कैंसिल? निधि तो किसी हालत में नहीं हो सकती। तो हम जारा की तरफ देखते हैं, जारा जारा कहती है हाँ मतलब डिवोर्स करा दो मेरा, मेरी पार्टनर गला दबा के मार डालेगी मुझे, समझ में आया, एक सेकंड नहीं लगेगा। मैं कहती हूँ हाँ 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 भाई उससे पंगा नहीं लेना, बाकी किसी से भी लेना है। तो कहती हूँ चलो ढूंढते हैं तो मान ले लड़की, देखते हैं कोई ना कोई तो मिलेगी। वैसे वो बर्थडे कब है? दीदी कहती है कि आज से 4 दिन बाद। कहती यार बड़ा कम टाइम है, लड़की कहाँ से ढूंढेंगे इसके लिए, जो इसके बारे में सब कुछ पहले उसे समझाना पड़ेगा और फिर इस तरीके से वो बिहेव करे इसके साथ, ये सारी चीज़ें कहाँ से कैसे इतनी जल्दी अरेंजमेंट होंगी। यार ये मूवीज़ में कितने अच्छे से दिखा देते हैं ना। तो सब मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं हाँ तूने भी शायद उसी सीरियल से ये आइडिया लिया है ना जो पीछे चल रहा है, तब तो दिमाग में घुसा नहीं होगा कि लड़की अरेंज कहाँ से करेंगे। मैं कहती हूँ यार देखो अब तो ढूंढना तो पड़ेगा ही ना, और इतनी जल्दी ढूंढ लड़की ढूंढ के लाना और फिर उसे इसके लिए रेडी करना, आजकल की लड़कियों को तो टॉम बॉय जल्दी पसंद भी नहीं आते हैं ना, क्या किया जाए। तो अरु मेरी तरफ देखती और कहती एक बात बता तू मुझे ज़रा, तू मेरी यहाँ हेल्प करने बैठी है या मेरी बेइज्जती करने बैठी है? मैं कहती हूँ दोनों, अगर एक तीर में दो शिकार हो रहे हैं तो क्या नुकसान है उसमें। तो अरु कहती है यार हद है तेरी कसम से। मैं कहती हूँ ओए हद है, सच्ची में हद है, छोड़ना अभी तो मैंने हद तक तो पहुंची भी नहीं, हद कहाँ से हो गई। तरु कहती देखो मतलब हर जगह फ्लर्ट करना है इस लड़की को। कहती हूँ हाँ हाँ चल अब देखती हूँ मैं लड़कियाँ ढूंढती हूँ तेरे लिए। और ये कह के हम लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं और लड़कियों को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, हर एक डेटिंग साइट पे, हर जगह, जो भी जहाँ भी निकलते थे हम सिर्फ आरू के लिए लड़कियाँ ही देख रहे होते थे। एक बार तो लड़कियाँ देखते देखते ये सीन बैठ जाता है कि मैं सारा और निधि तीनों कहीं जा रहे होते हैं तो एक लड़की जो है एक लड़की के साथ खड़ी होती है, उन दोनों में कोई बहस हो रही होती है मॉल के सामने और हम लोग मॉल में एंट्री कर रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ यार ये लड़की आरू के लिए परफेक्ट रहेगी ना, ये दोनों शायद कपल हैं, शायद कपल हैं, पक्का लग नहीं रहा। लेकिन सारा कहती है शायद नहीं पक्का कपल ही है। मैं कहती हूँ नहीं यार बेस्ट फ्रेंड भी तो हो सकते हैं ना, क्या पता लड़ रहे हो आपस में किसी बात पे। निधि कहती है नहीं नहीं ये कपल्स ही हैं जिस हिसाब से लड़ रहे हैं। तो कहती हूँ तो चलो बात करते हैं ना इससे। तो मैं तो मजाक में कहती हूँ लेकिन सारा और निधि सीरियस हो जाते हैं और वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं और फिर मुझे कहते हैं कि जाओ तुम बात करो। तो मैं कहती हूँ ऐसे कैसे, मैं क्यों जाऊँ बात करने ऐसे किसी भी अनजान लड़की से, मैं को नहीं जाना हटो। तो कहती क्यों क्यों नहीं जाना, जाओ। मैं कहती हूँ नहीं जाना। तो
तो जो है दी मुझे जो है कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर हम ये कंफर्म करके आए हैं कि लड़कियां आपस में गर्लफ्रेंड्स ही हैं और अब इनका ब्रेकअप हो गया है, तब तो तुम बात कर सकती हो ना। कहती हूँ हाँ तब कर सकती हूँ। और ये दोनों इतनी बड़ी चुड़ैल होती हैं, और मैं इस बात से वाकिफ भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों पे भरोसा कर लेती हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि दोस्त सबसे बड़े कमीने होते हैं, लेकिन मैं फिर भी यकीन करके बैठ जाती हूँ। कहती हूँ हाँ ठीक है जाओ बात करके आओ। तो ये दोनों वहाँ उस लड़की के पास जाते हैं और उससे कुछ बातें करते हैं, और उसके बाद वहाँ से वापस आते हैं और मुझसे कहते हैं कि हाँ ठीक है बातें कर लिए, जाके तुम अब आगे का डिस्कस कर लो। मैं भी ऐसे चौड़ होके बिल्कुल टेंशन में उस लड़की के पास पहुँचती हूँ और कहती हूँ कि हेलो कैसे हैं आप? तो मैं ठीक हूँ, आप बताइए कि क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरी एक फ्रेंड की गर्लफ्रेंड बन सकती हैं? जस्ट टाइम पास, नथिंग एल्स, और ज़्यादा टची वची नहीं होना है, और थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा क्योंकि मेरे फ्रेंड को देख के ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसी हो जाती हैं, और अगर कुछ हो भी जाता है तो वो भी फिर देख लेंगे ना। तो मैं इस तरह से बोल देती हूँ। लड़की बोलती है आप क्या कह रही हो, आपको समझ में आ रहा है? कहती हूँ सॉरी सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली ना इस समय स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो कहती है क्या कहना क्या चाहती हो, क्लियरली बताओ। मैं कहती हूँ कि एक्चुअली देखो बात यह है कि मेरी एक फ्रेंड का ब्रेकअप हो चुका है, उसे उसकी गर्लफ्रेंड उसे वापस दिलानी है। ब्रेकअप भी नहीं हुआ है, बस एक तरीका है, मतलब उसे मैं सारे सिचुएशन समझा देती हूँ और उससे कहती हूँ क्या कुछ दिन के लिए आप मेरी फ्रेंड की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। तो वो लड़की पहले थोड़ी देर मुझे देखती रहती है और फिर खींच के मेरे गाल पे थप्पड़ रख देती है, और मैं ऐसे उसकी तरफ शॉक्ड होके देखती रहती हूँ अपने गाल पे हाथ रख के। वो लड़की बोलती है अगर आपकी फ्रेंड ने हमें बताया नहीं होता तो मैं तो आपकी बात में आ जाती है ना। मैं कहती हूँ क्या बताया है उन दोनों ने आपको? कि उन दोनों ने मुझे यही बताया है कि आपकी आदत है इन बातों में लड़कियों को फंसा के और फिर उनका यूज़ करके उन्हें फेंक देना। और मेरे को इतना गुस्सा आता है उन दोनों के ऊपर, मैं ऐसे पीछे टर्न करती हूँ, उन दोनों को बहुत गुस्से से देखती हूँ। अब वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। मैं उस लड़की से कहती हूँ वो सॉरी बट ठीक है कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, ये कह के मैं वहाँ से जाने लगती हूँ। तो लड़की बोलती है आइंदा से ऐसा कर मत दीजिएगा, मैं बता रही हूँ हर लड़की एक जैसी नहीं होती। और वो लड़की जो गई है ना यहाँ से मेरे से लड़के, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, यहाँ पे हर लड़की लड़की के साथ चक्कर नहीं चला रही है, कुछ लड़कियाँ यहाँ स्ट्रेट भी हैं, समझ में आया आपको? वो मुझे बहुत सुनाती है। मैं कहती हूँ जी मैम गलती हो गई सॉरी, और फिर मैं वहाँ से ऐसे पीछे टर्न करती हूँ जाने लगती हूँ। तो दोनों मुझे देख के घबराती हैं कि अब तो भाई हम गए। मैं उसके थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, मेरे दिमाग में क्लिक होता है कि अच्छा इसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने खा भी लिया, चलो कोई बात नहीं क्योंकि मेरी फ्रेंड ने ऐसा बताया था इसे। लेकिन इससे फ्री एडवाइस किसने मांगी थी? मैंने तो नहीं मांगी थी, इसने मुझे फ्री एडवाइस दे क्यों? और इसका ये क्या तरीका था कि यहाँ पे कुछ स्ट्रेट लड़कियाँ भी होती हैं, क्या कोई स्ट्रेट लड़की किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकती या उससे फ्रेंडशिप नहीं कर सकती, उसके लिए पागल नहीं हो सकते, ऐसा है क्या? और मैं ये सोचते सोचते आगे बढ़ रही होती हूँ, ज़ारा और निधि के पास पहुँचती हूँ। वो दोनों तो डरे हुए होते हैं लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं कहती, और मैं कहती हूँ यार इस लड़की में एटीट्यूड बहुत है, इसने मुझे मारा तो मारा तुम दोनों की बदतमीज़ी की वजह से, लेकिन इसने मुझे फ्री में एडवाइस क्यों दी, ज़रा मुझे ये बताओ। तुम लोगों को पता है ना मुझे फ्री एडवाइस अच्छी नहीं लगती, खासकर ऐसी नकचड़ी लड़कियों की। तो कहती
कहती है क्या क्या एडवाइस दी है। कह रही है स्ट्रेट लड़कियां ऐसी नहीं होती, तो आगे से इस तरह के काम मत करना। मैंने ऐसा इससे क्या काम है, जितने तमीज से बात की। तो ज़ारा और निधि कहते हैं यार आई एम सॉरी, हमें पता नहीं था वो हाथ उठा देगी, हमें लगा चार पांच बातें सुनाएगी दैट्स इट। मैं कहती हूँ छोड़ो यार, बट इस लड़की को ना मन कर रहा है पटा के दिखाऊं। तो ज़ारा और निधि कहते हैं यार श्योर ना, पटाना यार, वैसे भी लड़की देखने में तो कमाल ही है ना, तुझे भी तो ऐसी लड़कियां चाहिए ना। फिर मैं उन दोनों की तरफ देखती हूँ और दोनों के गाल पे रख रख के एक मारती हूँ। कहती हूँ अच्छा यही काम रह गया मुझे, जिससे उसे यकीन ही हो जाए कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ। क्यों की थी ये बदतमीजी तुम दोनों ने, क्यों की थी बताओ, क्यों झूठ बोला था। हद करते हो यार। तभी वो लड़की वहां से गुजर रही होती है और जारा और निधि ये बोल रहे होते हैं यार हमें तो मजे लेने थे तेरे, दैट्स इट, मैंने इसलिए ऐसे बोल दिया था, हमें लगा चार पांच बातें सुनाएगी और बात खत्म कर देगी, हमें क्या पता था हाथ उठा देगी। वो लड़की ये बातें सुन लेती है, एक्चुअली वो सुनती नहीं है। मैं उस टाइम उसे बोल के आती हूँ कि आपको सच का पता मैं कराती हूँ, जब मैं आपको इशारा करूँ तो आप वहां से निकल जाइएगा, बस एक बार थप्पड़ तो आपने मार ही लिया है, लेकिन सच्चाई का पता तो आपको चलना चाहिए ना। और वो लड़की वो बातें सुन लेती है और वो उन दोनों की तरफ देखती है। मैं कहती हूँ जरा पीछे टर्न करना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है निधि एंड सारा। तो दोनों पीछे टर्न करती हैं, देखती हैं वो लड़की खड़ी होती है, वो दोनों तो वो काटो तो खून नहीं। तो लड़की बोलती है यार तुम लोग अजीब फ्रेंड हो, अपने दोस्त को ही पिटवा रहे हो। और मेरी तरफ देख के कहती है आई एम सॉरी, बट मैं मेरी गलती नहीं थी। कहती हूँ जी नहीं आपकी गलती नहीं थी, लेकिन आपकी गलती थी भी। तो कहती कैसे, कहती हूँ कि आप कान के कच्चे हो, आपको जो कोई कुछ भी बोल देता है आप उस पर यकीन कर लेते हो और उस पर रिएक्ट करते हो, थोड़ा तो अपना दिमाग भी लगा लिया कीजिए। और पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, मैं भी शायद यही इशू है जिससे आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड के बीच ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं। बाकी आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन। बाय बाय, टेक केयर। मैं ये कह के वहाँ से निकल जाती हूँ। निधि और जारा को बहुत सुनाती है और निधि और जारा भी मेरे पीछे पीछे आते हैं, कहते क्या है यार तू, तेरे साथ पंगे नहीं लेना होते क्या, तो और लो पंगे, ये हम लड़कियाँ ढूंढने आए थे, अब घर चल लो। और हम लोग वहाँ से घर आ जाते हैं और फिर से लड़कियाँ देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें कोई लड़की वालों के मतलब की नहीं मिल रही होती है। बहुत परेशान हो जाते हैं लड़कियाँ ढूंढते ढूंढते। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होगा, क्या हमें औरों के लिए कोई और लड़की मिलेगी या नहीं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। या इस जाल में कोई ऐसा इंसान फंसने वाला है जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।